जय हिंद डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास द डिग्री ऑफ द फ्रीडम इन केस ऑफ एन मोनोएटॉमिक गैस इज। ऑप्शन ए फर्स्ट एट, ऑप्शन बी थ्री, ऑप्शन सी फाइव एंड डी इज द नॉन ऑफ दीज। डी सी 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बेटे ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर है और उसमें हम जानते हैं कि कोई गैस जो होता है वो तीन तरीके से होता है। क्या क्या होता है उसके तीन तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती हैं और गैस भी तीन तरीके से होते हैं। एक तो होता है मोनोएटॉमिक, एक होता है मोनोएटॉमिक गैस, एक होता है डाइएटॉमिक गैस और एक होता है ट्राइएटॉमिक गैस। और मैं बहुत सिंपल वे में बात कर रहा हूं, सिंपल वे में अगर मैं देखूं तो जो मोनोएटॉमिक गैस है उसका यह मतलब है कि कोई भी गैस ऐसा गैस जिसको केवल एक सिंगल एटम हो, यानी कि ग्रुप 18 के हीलियम, ग्रुप 18 वाले जितने भी हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये सारे गैसेस जो होते हैं वो कैसे गैस होते हैं, मोनोएटॉमिक गैस होते हैं। और जब हम कभी भी देखते हैं कि हमारा जो एटम है वो दो से एसोसिएट है, दो हमारे एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो डायएटॉमिक गैस होता है। जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, या फिर हम कहें कि नाइट्रोजन गैस हो गया, तो ये सब हमारे क्या हो गए, डायएटॉमिक गैस हो जाते हैं। और ट्राइएटॉमिक का मतलब हो गया कि अब दो या दो से अधिक हमारे एटम मिलते हैं और उस गैस को बनाते हैं ट्राइएटॉमिक में। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो अगर मैं मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो एक सिंपल कह सकते हैं कि बे में वो थ्री होता है, और वो अलग बात है कि वाइब्रेशनल मोड भी होते हैं इसमें, वाइब्रेशनल मोड में एक और ऐड हो जाता है। और इसमें हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो फाइव होता है और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, सिक्स होता है। तो आप यहां पर देखें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द केस ऑफ एन मोनोटॉमिक गैस, तो मोनोटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो थ्री होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर जाएगा।